वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, देखो एलसीएम इज 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, दैट मींस नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू इज इक्वल टू, अपने पास होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब देखिएगा, एंड वन ऑफ द नंबर इज 125 एंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस मच। ठीक है, देखिएगा एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू मुझे गिवन है 1150। वी नो दैट दिस इज एच प्लस दैट शुड बी इक्वल टू 45H, दैट इज इक्वल टू 1150 बिकॉज इट इज गिवन ओवर देयर। तो 46 ऑफ एच विल बी इक्वल टू 1150, एच विल बी इक्वल टू 1150 डिवाइड बाय 46, राइट। ठीक है बच्चों, तो इसको जो हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको 2 पे कट करता हूँ तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, इसको भी 2 पे कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा भाई 1 और 2 ये 7 ज़ा और 2 5, दिस वुड बी द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब ये 23rd से जो है बच्चों कम्प्लीटली डिविजिबल है, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे होगे, दिस इज 575 575 और डिवाइड बाय 23rd, तो बच्चों ये इजीली डिविजिबल रहेगा, इसको कट करके देखना, ये 25 पे जो है कट आउट हो जाएगा। ठीक है जी, h की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। ठीक है, चलो तो बच्चों नंबर वन इंटू नंबर टू मेरे पास क्या रहेगा, ये 25 है मल्टीप्लाई एलसीएम इज 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी 25 इंटू 45, ये मेरा रहेगा क्या जो है एलसीएम, और एक नंबर 125 है, दिस इज 125, राइट। तो नंबर टू विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 45 डिवाइड बाई 125, 25 5 ज़ा 5 से ये 5 पे, तो बच्चों मेरा आंसर जो रहेगा 5 5 ज़ा 5 2 5 20 22 22, तो 225 जो है बच्चों मेरा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनता है।